हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। हर एक्ट्रेस की चाहत रही है कि वो एक बार शाहरुख के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस जरूर करे। किंग खान की दीवानगी इस कदर है कि उन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। एक टाइम ऐसा था जब शाहरुख खान का दौर चला, वो जो भी फिल्में करते थे वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होती थी। शाहरुख की दीवानगी का आलम तो ये है कि आज भी प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों में शाहरुख को कास्ट करने के लिए उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले शाहरुख ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में भी की हैं जो कि सुपर फ्लॉप साबित हुई। चलिए आज आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं। दिल आशना है। शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म दिल आशना है से की थी। भले ही फिल्म दीवाना पहले रिलीज हुई हो, लेकिन शाहरुख ने बॉलीवुड में सबसे पहले इसी फिल्म को साइन किया था। बता दें, इस फिल्म को हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में शाहरुख कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस तरह से नहीं चल पाई थी जैसी की उम्मीद थी और फ्लॉप साबित हुई। चमत्कार। साल 1992 में आई फिल्म चमत्कार में भी शाहरुख नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ नसीरुद्दीन शाह और उर्मिला मातोंडकर थी। इसे राजीव मेहरा ने डायरेक्ट किया था, लेकिन ये फिल्म भी शाहरुख के करियर की फ्लॉप फिल्मों में से एक रही, जिसे दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। ओ डार्लिंग ये है इंडिया। शाहरुख खान ने अपने करियर में कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया। इस बीच जब उनकी फिल्में फ्लॉप होती रही तो उन्होंने डायरेक्टर केतन मेहता के साथ भी काम किया। साल 1995 में वो ओ डार्लिंग ये है इंडिया लेकर आए। इसमें शाहरुख के साथ दीपा शाही नजर आई थी। साथ ही जावेद जाफरी जैसे एक्टर ने भी इस फिल्म में काम किया था, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाई और फ्लॉप साबित हुई। अंजाम। साल 1994 में राहुल रवेल के डायरेक्शन में बनी फिल्म अंजाम में शाहरुख माधुरी दीक्षित के साथ नजर आए, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी। ये फिल्म भी बाकी फ्लॉप फिल्मों की तरह सुपर फ्लॉप साबित हुई। जमाना दीवाना। बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान ने साल 1995 में एक फिल्म जमाना दीवाना भी की, लेकिन ये फिल्म भी एक औसत दर्जे की फिल्म रही और कुछ खास नहीं कर सकी। इसमें शाहरुख के साथ रवीना टंडन, शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। पहेली। शाहरुख खान के करियर की कई ऐसी फिल्में रही जिनके गाने तो खूब चले, लेकिन फिल्में उस हिसाब से नहीं चली। ऐसी ही फिल्मों में से एक फिल्म पहेली रही। साल 2005 में आई इस फिल्म में शाहरुख के साथ रानी मुखर्जी नजर आई थी। साथ ही नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स भी इसमें दिखाई दिए। बिल्लू। बिल्लू फिल्म में शाहरुख खान के साथ मशहूर एक्टर इरफान खान नजर आए थे। इस फिल्म को लेकर बवाल भी हुआ था। पहले तो रिलीज से पहले फिल्म के नाम को लेकर बवाल हुआ और इसके बाद दर्शकों ने भी इस फिल्म को सिरे से नकार दिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिल्म में दीपिका, करीना और प्रियंका का आइटम सॉन्ग भी शाहरुख की फिल्म को बचा नहीं पाया। फैन। साल 2016 में फैन फिल्म से बॉलीवुड में एक बार फिर से अपनी चमक लोगों के बीच बिखेरने की उम्मीद से पर्दे पर आए शाहरुख खान कुछ खास नहीं कर सके। ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था। जीरो। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म जीरो से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई। फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में शाहरुख के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा नजर आई थी। बताते चलें कि इस फिल्म के बाद से किंग खान की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। हाल ही में उन्होंने पठान की शूटिंग शुरू की है, जिसे इस साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। वैसे आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। We'll be right back.